तो हे गाइस, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए वीडियो नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग बस ऐसे ही बातें करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है गेम में, कैसे हम 80 लेवल के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं और बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगा तुम लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखो और इन्जॉय करो। तो अभी हमारे गेम में एक माइक्रोवेव भी हमें देखने को मिलेगा और उससे हम यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव कब मिलेगा, कैसे यूज करेंगे, वो सब मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। और ढेर सारे नए नए जॉम्बीज आ रहे हैं, नए नए मॉन्स्टर आ रहे हैं। तो भाई से बताए तो अभी गेम और ख़तरनाक होने वाली है। अभी हमारे जो सीक्रेट लैब जजमेंट सेंटर है ना, ये सब बहुत नॉर्मल है। अभी इससे भी खतरनाक खतरनाक चीज़ें आने वाली हैं, जिसके लिए तुमको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं जीन टेबल से। तो देखो, अभी मैंने जीन टेबल पे चीज़ें बनाना छोड़ दिया, क्योंकि भाई जो सामान है ना, जो आइटम है, काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं। और एक तो ये आइटम बहुत खाता है, उसके बाद हमें ये भी लेना पड़ता है भाई। ये देखो, ये चीज़ें हैं ना, ये बहुत कम मिलती हैं, डेली 3 मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पूरे महीने इकट्ठा कर लो, 120 हो जाएगा, तब एक साथ मैं इसको बनाऊँगा। तो बनाने में भी मज़ा आएगा भाई, रोज़ रोज़ बनाने में एक एक खूब मज़ा नहीं आता। और इसके बाद इसे ख़रीदना भी बड़ा महंगा पड़ता है गोल्ड स्टोर से, तो मैं इसे प्रेफर अभी नहीं करूँगा। तो जब स्टोर में जब सामान सस्ता होने लगे ना, तब तुम उसे ख़रीद लिया करो। और उसके बाद तुम जब ढेर सारा रिसोर्स हो तो उसको बनाओ। और देखो यार, जो मैंने अनलिमिटेड फ्यूल वाला ट्रिक बताया था, उसमें जो रेवन शेल्टर है ना, वहाँ पे फ्यूल मिलना बंद हो चुका है, पर तुम रेडवुड आउटपोस्ट पे जाके ले सकते हो। जहाँ जहाँ तुम्हें मतलब चीज़ें दिखे ना, पेट्रोल वाला या तुम्हें ड्रम दिखे, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी रहते हैं, तो नॉर्मल के स्ट्रॉन्ग होल्ड चेक कर लो, तुमको वहाँ पर ड्रम मिल जाएगा और तुम वहाँ से ले सकते हो। अरे यार, मैंने अभी तक अपने ड्रोन को बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं किया भाई, बहुत बुरा ड्रोन है मेरा। तो इसको भी अपग्रेड करूँगा यार, पर मैं सोच रहा हूँ इसको 80 लेवल पर करूँ, क्योंकि अभी बस 70 लेवल हमारा हो चुका है। 70 लेवल पर हम बना नहीं सकते, और अभी थोड़े दिन में ही हमारा 20 लेवल 80 लेवल हो जाएगा। तो उसके बाद सीधा मैं सोच रहा हूँ यही पूरा बनाऊँगा एक साथ। तो इसमें मैं तुम लोग को प्रेफर करूंगा ट्रीटमेंट चिप बनाने के लिए, क्योंकि देखो, जो हमारे सीक्रेट मिशन होते हैं, जो हमारे एस्ट्रल टावर वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है लोगों पे कि भाई हील करते रहना, हील करते रहना। तो थोड़ा बहुत भी अगर हमें इससे हीलिंग का फ़ायदा होता है तो ये बढ़िया है। और मैं इसको प्रेफर करूँगा कि तुम लोग भी इसको यूज़ किया करो, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े जॉम्बी मॉन्स्टर होते हैं ना, वहाँ पे हमारा अटैकिंग वाला ड्रोन उतना काम नहीं आता भाई। थोड़ा बहुत डैमेज देखिए, हमें कुछ ज़्यादा फायदा तो मिलेगा नहीं, इससे अच्छा हमारा ट्रीटमेंट ही मिलता रहे, हीलिंग मिलती रहे। और यार, मैंने अभी तक पता है एक भी गाड़ी नहीं बनाई, बस मैंने बाइक बनाई थी। बाइक जो मिली थी स्टार्टिंग में, देख सकते हो यहाँ पे, मैंने एक भी गाड़ी नहीं बनाई, क्योंकि यार गाड़ी बनाने में भाई बहुत सारा रिसोर्स चाहिए होता है, बहुत सारा। अगर तुम स्टार्टिंग में ही बना लियो तो ठीक है, अगर अब तुम बनाने की सोचोगे ना, तो भाई तुमको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। फिर उसके बाद यार, अभी अपने आप को अपग्रेड भी करना है बहुत सारा, हमें रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है। और मैं तुम लोग को होम स्टेट पार्टी पे भी वीडियो बना के दे दूंगा एक, उसको देख लेना कि कैसे तुम अच्छे अच्छे रिवॉर्ड ले सकते हो, जो हमारा पार्टी होता है होम स्टेट का। और यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगाए हैं, तो चलो इसको पहले ले लेते हैं भाई। ये देखो, ये जो हमारा फार्म है ना, इसको हाइड मत किया करो, इसमें तुम चीज़ें लगाते रहा करो, क्योंकि बहुत सारे हमें फूड वर्क चाहिए होते हैं। पहले हम एलोवेरा मीट जानते थे, फिर उसके बाद हम सैंडविच जानते थे, अभी देखो और भी अच्छे अच्छे फूड वर्क आने वाले हैं गेम में, मतलब अवेलेबल तो हैं ही, बस उसे वीडियो बनाना बाकी है। तो पहले इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, वो वीडियो में लाऊंगा यार। देखो, वीडियो बहुत सारा लाना है, पर थोड़ा सा तबीयत का भी ध्यान देना पड़ता है ना। तो इसको मैंने हार्वेस्ट तो कर लिया, अब चलो देखते हैं इसको क्या करना है। ओके, तो ये देखो, ये रहा हमारा ये जो मॉर्निंग ग्लोरी है, इसको हम ले सकते हैं पॉइंट में, कन्वर्ट कर सकते हैं, 900 पॉइंट मिल गया। अब हमने ये जो हमारा कोलर गोस्ट वाला प्लांट लगाया था, तुम लोगों को अगर नहीं पता तो देखो, इसको हम सेल करते हैं, ठीक है। अगर इसको देखो, यहाँ पे 20 हमें मिला था, इसको सेल किए हमें 1000 कूपन मिल गया। अभी यहाँ पे देखो 10 और है, इसको भी सेल करेंगे तो 500 कूपन और मिल जाएगा, मतलब हमारे पास टोटल जो है ये 1500 कूपन हो चुके हैं। और मेरे बैग में देखो, मुझे आज ये चाबी मिली, तो इससे मुझे 1 लाख गोल्ड कॉइन आराम से मिल जाएगा। मेरे पास बॉक्स भी है इसका, तो ये जो चाबियाँ होती हैं ना, इसको इकट्ठा करके रख लो, इसको खोला मत क्या करो, इसको रखे रहा करो, जब तुमको एकदम अर्जेंट में ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में, तब तो यूज़ करोगे तो सही रहेगा। और देखो यार, जो कूपन होता है ना, कूपन का भी तुम लोग को यूज़ बता देता हूँ, अगर नहीं पता है तो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। देखो यार, ये ट्रेड में जाओगे, ट्रेड में देखो, ये मर्चेंट गिल्ड होता है, इसमें जाओ। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर हमें कुछ आइटम्स हम खरीद सकते हैं, देख सकते हो। तो ये जो सबसे मेन जो आइटम होता है हमारा, होता है एसेसरी ब्लूप्रिंट। तो तुम्हें यहाँ पे डेली की लिमिट मिलती है 15 लेने की, तो लोग जो पैसे लगाते हैं ना, तो वो तो आराम से ले लेते हैं। वो भी बता दूंगा कि पेड तरीका क्या है, फ्री में लेको लेना है ना, तो देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चाहिए होंगे कूपन, और कूपन कैसे मिलता है, तुमको जाना है सेल में। अब देखो यहाँ पर, जैसे ये मुझे एक कोटिंग मिलता है, तो ये कोटिंग जो है ना, मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ, जितना भी सेल हो पाएगा। फिर उसके बाद, जैसे कि ये है हमारा पार्टिकल है,
ये भी हमारे काम का नहीं है, जैसे ही हमें जब काम आएगा तो ये अपने आप हमें मिलने लगेगा। तो अभी तो फिलहाल ये काम नहीं है, तो इसको भी हम सेल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 720 कूपन हमें मिल गया एक्स्ट्रा, और भी जैसे हमारे कुछ आलतू फालतू आर्मर प्लेट होते हैं, अगर तुम्हें काम नहीं है तो तुम उसको यहाँ पे कूपन से एक्सचेंज कर सकते हो, सेल कर सकते हो। हमें फोकस करना है इस पॉलिश मटेरियल पे और हमें इस ब्लूप्रिंट पे। तो चलो अब थोड़े से ब्लूप्रिंट लेते हैं और थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो अभी हम 15 के 15 पूरे ले सकते हैं। तो अभी देखो मेरे पास खूब सारे जो है ब्लूप्रिंट हो चुके हैं और अब मैं अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो अब मुझे अपना जो ये कोई एक चीज़ अपग्रेड करना है, तो मैं ये बैरल वगैरह तो ऐड कर चुका हूँ, मुझे ये सब अपग्रेड करना है, पर मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ अभी। तो अगर मैं ये अपने हैवी वेपन का बैरल अगर अपग्रेड करूँगा तो मेरा जो डैमेज है वो 13 का बढ़ जाएगा। तो पहले हम इसी को अपग्रेड करते हैं। ओके, तो हमारी 39 की रेटिंग बढ़ गई, थोड़ा चेक कर लेते हैं डैमेज बढ़ा कि नहीं। ओके, डैमेज भी हमारा बढ़ गया है। देखो मैंने अभी बायोटिक गन हाथ में नहीं लिया है, फिर भी मेरा डैमेज 721 है। तो ऐसे कर करके तुम भी अपना डैमेज बढ़ा सकते हो। इस तो ये जो अपग्रेड है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है भाई अपग्रेड करना। अब बायोटिक लेके भी ट्राई कर लेते हैं कि कितना हमारा जो डैमेज है दिख रहा है। तो ये रहा 797, मतलब अप्रॉक्स हमारा 800 के करीब डैमेज हो चुका है, जो कि ठीक है भाई। जैसे अगर फ्री में तुम अगर खेल रहे हो ना तो सही है। अब बात करते हैं हमारे पेड वाले तरीके की। पेड तरीके के लिए तुमको पर्क में जाना है, सेकंड वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो सप्लाई कार्ड होता है, तो जितने बंदों की रेटिंग वगैरह ज़्यादा होती है, जिनका डैमेज ज़्यादा होता है, वो ये खरीद के रखे रहते हैं। इसमें उन्हें जो ये देखो यहाँ पे कूपन मिलता है 36,000 महीने के, फिर ये 16,800 वीकली। तो लोग क्या करते हैं, दोनों खरीद के रख लेते हैं और रोज़ वहाँ से एक्स्ट्रा सामान इकट्ठे करते रहते हैं, और उनके पास ज़्यादा आइटम रहता है इसलिए वो ज़्यादा अपग्रेड करते हैं। फिर उसके बाद देखो थोड़ा अपने पॉलिश वाले ये जो सेट पॉलिशिंग का लेवल होता है, इस पर भी ध्यान दिया करो। सिर्फ अपने गन को पॉलिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप तुमको सारा चीज़ पॉलिश करके अपना ये जो सेट पॉलिशिंग का लेवल है इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये पॉलिश मटेरियल जहाँ से भी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट कम्प्लीट करो और उसके बाद इसको अपग्रेड करो, तभी तुम ज़्यादा पावरफुल बन पाओगे। और साथ में जो अपने आर्मर होते हैं ना, जैसे कि ये दिखाता हूँ ये प्लेट्स के क्या फ़ायदे हैं। अभी तो मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ दिया है क्योंकि नॉर्मल है, अभी काम भर का हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इन प्लेट्स जो हमें मुझे मिलते हैं रोज़ के डेली मिलते हैं खूब सारे, तो मैं इसे सेल कर देता हूँ। इसके बदले मैं ब्लूप्रिंट ले लेता हूँ, कभी पॉलिश मटेरियल ले लेता हूँ। तो ऐसा ही आप भी कर सकते हो अगर तुम फ्री वाले हो तो। ये सबसे बढ़िया तरीका अपने आप को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करने का। अब देखो तुमको थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, या तो तुम अपने आर्मर प्लेट में कुर्बानी दो, या कहीं तुमको लॉस तो होगा ही पर कहीं ना कहीं तुमको फ़ायदा भी होगा इससे। और भी देखो गेम में इवेंट चल रहे हैं, तो इवेंट पे भी ध्यान देना, क्योंकि इवेंट से ही हमें बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिलते हैं। तो देखो जैसे कि हमारा एंड्रॉयड ड्रीम वाला इवेंट चल रहा है, तो यहाँ पे हमें दिन भर का 3 स्पिन हमें कम से कम मिल जाता है। तो देखो 3 स्पिन आप अगर कर सकते हो तो 3 स्पिन अपना कर लेना, क्या पता आपको ये 5 लाख वाला बॉक्स मिल जाए, क्या पता आपको ये चिप वाला मिल जाए, क्या पता आपको कार की स्किन मिल जाए। और एक चीज़ और है यहाँ पे, क्या एक्सचेंज करना मैं वो भी बता देता हूँ। तो देखो अगर इसमें जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो महंगी दिख रही है, पहले तो ये नैनो क्रिस्टलाइन कोर ले लेना, फिर उसके बाद देखो ये कोरोजिव जो हमारा सॉल्वेंट होता है ये काम का है। अब पूछोगे कि क्या काम आता है, जैसे जैसे हमारा ये जो आइटम होता है गन वगैरह होता है, इस पर लॉक का आइकन आता है, ठीक है। तो इस लॉक को आइटम को हटाने के लिए जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, अनलिंक है, तो यहाँ पे देखो 15 चाहिए, तो अभी 3 हमें मिल रहा है, तो 3 ले कर रख लो, फ्यूचर में क्या पता हमें और भी इवेंट वगैरह में मिलता रहे। तो ये तुम्हारे पास रहेगा तो ये कभी ना कभी तुम्हें चांस मिलेगा कि तुम अपना ये कोई भी एक आइटम तुम अपना यहाँ पे अनलॉक कर सको और उसको सेल कर सको। तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको ले लेना। गाइस यार इस वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा तबीयत सही हो जाए तो तुम लोग के लिए खूब सारे वीडियो लाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।